सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमाल की स्क्रिप्ट जो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाली है। तो देखिए, अगर आप किसी एनिमी पर फायर करते हो, ठीक है, एंड आपका जो एम है वो एनिमी पर कनेक्ट हो जाता है, वन टैप हो या फिर ना भी हो, तो आपको क्या करना था। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप रहता है, वो ये रहता है कि आपको बहुत ही फास्टली आपका जो वेपन है उसको स्विच करना रहता है। स्विच करने के बाद आपको रन बटन दबाना पड़ता है, तभी आप अपना जो पोजीशन है वहाँ से चेंज कर पाओगे एंड आगे वाले जो एनिमी है वो जो फायर कर रहा है उससे आप बच पाओगे। तो गाइस इसी के लिए ही मैं आपको स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही फास्टली आप अपना जो वेपन है स्विच कर पाओगे, साथ ही साथ अपना जो पोजीशन है वहाँ का चेंज कर पाओगे, ठीक है, वो भी सिर्फ एक ही बटन क्लिक करके। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपना जो एमलेट का जो सेटिंग है वो ओपन कर लेना है, ठीक है, एंड एडवांस ओपन सेटिंग में आपको आ जाना है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ आपको साइड में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे कहाँ की हमारा स्क्रिप्ट, ठीक है, तो स्क्रिप्ट वाले इस बटन को आपको यहाँ पर लेकर आ जाना है एंड साइड में छोटा सा एक आपको ऑप्शन देखेगा, उसमें क्लिक करोगे तो आपको जो स्क्रिप्ट का ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं नंबर दे दिया हूँ, ठीक है, ई नंबर दे दिया था, ई की दे दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है, यहाँ पे आपको लिखना है टैप, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टैप लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारा जो काम रहता है वो रहता है मेले बटन को दबाना फिर रन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मेले बटन है यानी कि थर्ड वेपन है उस पर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे आपका जो भी नंबर है पोजिशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको वेट लिखना है नीचे आके, ठीक है, वेट लिखने के बाद अब वेट में आपको दे सकते हो 40 दे सकते हो या फिर 35 दे सकते हो, जो आपका मर्जी दे सकते हो, दोनों में दोनों अच्छा रहता है वैसे। उसके बाद आपको एंटर दबा के फिर नीचे आना है, फिर आपको लिखना है यहाँ पे टैप, ठीक है। टैप लिखने के बाद हमारा अगला काम ये रहेगा कि आपको लिखना है यहाँ पे हमारा रन बटन, ठीक है, अपना वेपन स्विच करेंगे एंड रन बटन दबाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर्सर को रन पर लेके आ जाना है, रन पर लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे आपको राइट क्लिक करेंगे एंड आपका यहाँ पे अपना जो पोजिशन है रन बटन को वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, इतना ही काम करना है और आपका जो स्क्रिप्ट है वो पूरा टोटली सेट हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस कितना आसान था स्क्रिप्ट सेट करना एंड ये स्क्रिप्ट सेट करने के बाद आप जैसे ई बटन अपना दबाओगे, मतलब किसी एनिमी को फायर कर रहे हो एंड आप फायर करने के बाद जस्ट तुरंत ही ई बटन दबा दोगे तो आपका जो मेले बटन स्विच हो जाएगा एंड आप रन करना स्टार्ट कर जाओगे। इस तरीके से आप बहुत ही फास्टली अपना जो वन टैप भी लगा सकते हो, वन टैप लगा के अपना पोजिशन चेंज कर सकते हो, बहुत ही फास्टली कर पाओगे ये सब काम, ठीक है। तो चले गाइस इस वाले वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को क्या करना है गाइस, वीडियो को एक लाइक कर देना है एंड आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखते रहना है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चले गाइस इस वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले कौन है फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।